नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चावल के आटे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चावल की रोटी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चावल की रोटी बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ने वाली है, चलिए देख लेते हैं। चावल का आटा, रिफाइंड तेल, नमक, कस्तूरी मेथी, चिली फ्लेक्स। मैं यहाँ पर कढ़ाई का उपयोग कर रही हूँ। आपके पास जो भी मोटे तले का बर्तन हो उस बर्तन को ले लीजिए। अब हम इस कढ़ाई में एक कटोरी पानी लेंगे और हम जितनी क्वांटिटी में पानी लिए हैं उतने ही क्वांटिटी में हम चावल आटा ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं पानी में भी अच्छे से उबाल आना शुरू हो चुका है। चलिए अब हम इसमें बाकी सामग्री डालेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब हम इन सभी चीज़ों को डालने के बाद एक कटोरी पानी में एक कटोरी चावल आटा डालेंगे। चावल आटा डालने के बाद इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर लेंगे। चलिए अब हम इस चावल के आटे को इस बर्तन में निकाल लेंगे। अभी हमारा चावल का आटा बहुत गर्म है, इसको हम थोड़ी देर ठंडा करेंगे, इसके बाद हम इसे गूंथ लेंगे। अब हमारे यहाँ पे चावल का आटा है, ठंडा हो चुका है। चलिए अब हम इसे गूंथ लेंगे। इस तरीके से मसलते हुए बिल्कुल चिकना होते तक गूंथ लेना है। अगर आपको यहाँ पे चावल का आटा सूखा लगे तो आप एक दो छोटे चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं, फिर उसके बाद गूंथ लीजिए। इस तरीके से मसलते हुए गूंथेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने गेहूं के आटे से जिस तरीके का आटा गूंथ के तैयार करते हैं ठीक उसी तरीके से चावल के आटे से भी हमने डो तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसे बेल के रोटी तैयार करेंगे। चलिए अब हम इस चावल के आटे से लोई तोड़ लेंगे। इस तरीके से लोई तोड़ेंगे। आप जिस भी साइज की रोटी बनाना चाहते हैं उस साइज की लोई तोड़ लीजिए। इस तरीके से गोल कर लीजिए। इस तरीके से गोल करते हुए हल्का दबा के चपटा कर लेंगे। अब इसमें हम चावल का सूखा आटा दोनों साइड से लगा लेंगे, ऐसे बेलेंगे। इस तरीके से बिल्कुल हल्का दबाते हुए रोटी तैयार करेंगे। ऐसे तरीके से दो तीन रोटी हम बना के तैयार कर लेंगे, उसके बाद सेक लेंगे। चलिए अब चावल के रोटी को हम सेक लेंगे। मैं यहाँ पे मोटे तवा का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं पहले से ही तवा को गर्म कर ली हूँ। इस तरीके से रोटी डाल के सेक लेंगे। अब हम रोटी को 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने देंगे, फिर उसके बाद पलट लेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे रोटी को पलट लेंगे और दूसरी साइड को भी पका लेंगे। चलिए अब हम एक बार फिर से इसको पलटेंगे और इस साइड को पकाएंगे। इस तरीके से रोटी को हल्का दबाते हुए पका लेंगे। एक बार फिर से पलटेंगे। इस तरीके से पलटते हुए हम दोनों साइड को अच्छे से पका लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा रोटी भी अच्छे तरीके से फूल चुका है। अब हम रोटी के ऊपर हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। इस तरीके से चम्मच से फैलाते हुए रिफाइंड ऑयल लगा लेंगे। एक बार फिर से पलट के दूसरी तरफ भी हम रिफाइंड ऑयल लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे चावल के आटे से बिल्कुल फूला फूला हुआ रोटी तैयार हो चुका है। अब हमारा रोटी है दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। चलिए अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। ऐसी तरीके से बाकी के रोटी भी हम सेक लेंगे। अब हमारा चावल का रोटी है पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। अब आपको मैं दिखाती हूँ हमारा चावल का रोटी बिल्कुल फूला फूला तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा रोटी है बिल्कुल फूला फूला बना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं।